आज इस केंद्रीय कक्ष में देश के अलग अलग राज्यों से आए आदिम जनजाति के मेरे भाइयों बहनों नौजवानों का मैं इस संसद के केंद्रीय कक्ष में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। संसद का यह केंद्रीय कक्ष आजादी का साक्षी रहा है। संसद के इसी केंद्रीय कक्ष के अंदर समाज के दलित शोषित वंचित आदिवासी व्यक्तियों को न्याय का अधिकार मिले, सबको समानता का अधिकार मिले और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है, इसके संविधान निर्माण का भी ये भवन ऐतिहासिक रूप से साक्षी रहा है। और आज साक्षी हो गया है, जब आप दूर दराज के उस गांव के अंदर उस जंगल के अंदर जहां पर आपने एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आजादी की लंबी लड़ाई लड़ी, भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में और समाज के जनजाति आदिम जनजाति के लोगों का जो स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा, उन सबको भी मैं नमन करता हूं। और आज मैं विशेष रूप से हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अंजू मुंडा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमेशा जनजाति समुदाय के लिए आदि जनजाति समुदाय के संरक्षण के लिए उनके अधिकार के लिए और सरकार की योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के व्यापक कल्याण के लिए सतत रूप से प्रयास करते रहते हैं। उनके साथ ही राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह जी जो आदिवासी क्षेत्र से आती है, आपके बीच में से आती है, हम सबको गर्व है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का जिन्होंने इस समुदाय के लिए नहीं देश के हर समुदाय के संरक्षण अधिकार के लिए और विशेष रूप से जनजाति समुदाय और आदि जनजाति समुदाय को किस तरीके से समाज में हम अग्रिम पंक्ति पर ला सकें, उनके प्रयासों को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, हम सब लोग उस क्षेत्र से आते हैं जो अभी भी विकास से दूर है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया, निर्णय किया है कि आदिम जनजाति और जनजाति इलाके को किस तरीके से समानता न्याय के अधिकार के साथ साथ उनके जीवन में परिवर्तन करने के लिए शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और विशेष रूप से आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से हम किस तरीके से जनजाति समुदाय को अपने रोजगार के आधार पर, स्वरोजगार के आधार पर उनको आर्थिक रूप से संबल कर सकें। और इसीलिए आज दूर दराज के जनजाति इलाके के हमारी बहनें भाई जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उन प्रोडक्ट को केवल राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचाने का लक्ष्य भी सरकार ने ठीक से किया है। और इसीलिए आज डिमांड भारत के अंदर, दुनिया के अंदर जनजाति क्षेत्र के उन लोगों के द्वारा बनाई गई प्रोडक्ट हो या प्रोसेस करी हुई जड़ी बूटियां हो, ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट जड़ी बूटियां और वनस्पति जो जनजाति क्षेत्र में उगती है,
उनका मार्केट नहीं था, लेकिन सरकार ने इसका विशेष रूप से ध्यान कर इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। मैं मानता हूं साथियों आपके सामने बहुत चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को समाधान करने के लिए सरकार जहां प्रयास कर रही है, आप भी उन चुनौतियों से लड़ने के लिए आप में असम शक्ति है। आप विविधताओं के इस भारत के अंदर आज हमें गर्व होता है हमारे जनजाति समुदाय पर, जिनके कारण भारत के अंदर संस्कृति और सांस्कृतिक संरक्षण बचा हुआ है। आपने जंगलों को बचाया, आपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के आपके प्रयास ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसीलिए आपके सामूहिक प्रयासों से आज हम एक समतामूलक समाज की ओर बढ़ रहे हैं। जनजाति क्षेत्र की अनूठी संस्कृति, संस्कार, शिल्पकला, हस्तकला, उद्यमिता, पर्यावरण और हमारी सांस्कृतिक विरासत आज भी समृद्ध है, अतुलनीय है और इसीलिए जनजाति समुदाय की एक विशिष्ट पहचान समाज में है। आपकी रीति रिवाज, आपकी भाषा, आपकी धर्म संस्कृति अपने आप में आज भी संरक्षण है और आप इसको संस्कृति को संरक्षण रखने का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस संस्कृति को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इसके लिए भी आप व्यापक रूप से प्रयास कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से जनजाति समूह के सामने आने वाली चुनौतियों की चर्चा करना चाहता हूँ। जनजाति समुदाय के सामने जो चुनौतियाँ हैं, इसी केंद्रीय कक्ष में कई कानून बने, संविधान का निर्माण हुआ, भारत की संसद ने आपके लिए कानून बनाए, नीतियाँ बनाई, कार्यक्रम बनाए और आज जिस तरीके का केंद्रीय कक्ष के अंदर आप बैठकर उन सब चीज़ों को याद करेंगे कि किस तरीके से उस समय भी जनजाति समुदाय के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए, उनको समता के न्याय का अधिकार दिलाने के लिए, उनके स्वास्थ्य, चिकित्सा और उनके अन्य व्यक्ति अधिकारों के लिए लगातार प्रयास संविधान के अंदर भी किए गए हैं और संविधान के बाद लगातार इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हम ये कह सकते हैं कि हमने इन जनजाति समुदाय की संस्कृति और संरक्षण को बचाने के साथ साथ इनके स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यमिता के विकास में एक विशेष नियम कानून बनाने का काम भारत की संसद ने किया है और आज भारत की संसद के इस भवन में आप यहाँ भ्रमण करने आए हैं। मैं विशेष रूप से माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आज आपको मेहमान के रूप में बुलाया है। ये पहला अवसर होगा भारत के अंदर कि जनजाति समुदाय के आदिम जनजाति के लोगों को आज राष्ट्रपति भवन के अंदर राष्ट्रपति जी से मिलने का मौका मिलेगा। आप सबको गर्व की बात है। मैं विशेष रूप से मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ जो लगातार संसद के अंदर आपके अधिकारों के लिए, आपकी संस्कृति के संरक्षण के लिए, आपके जीवन के कल्याण के लिए और किस तरीके से जनजाति समुदाय और आधी जनजाति समुदाय के जीवन को बेहतर बना सकते हैं उसके लिए उन लगातार प्रयास करते रहते हैं। आप सबका पुनः इस संसद की भवन में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप यहाँ से नई प्रेरणा लेकर जाएंगे, नई ऊर्जा लेकर जाएंगे और उस प्रेरणा ऊर्जा से अपने अपने गांव के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और नए आयामों को किस तरीके से प्राप्त कर हम आदिम जनजाति क्षेत्र को समानता के साथ सबको बराबर का अधिकार मिले और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आपका जो योगदान होगा वो निश्चित रूप से इस क्षेत्र को विकास के नए आयाम पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन।